धर्मनगरी कटरा में गत रात्रि विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने कटरा के मुख्य चौक में माता वैष्णो देवी भवन में हुई भगदड़ की घटना में मारे गए लोगों को मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर पूर्व विधायक बलदेव शर्मा, राकेश वजीर विशेष तौर पर मौजूद थे। साल से गई है, केसर साहब भी साथ हैं, बाकी सारे मेरे दोस्त भी साथ हैं, बाकी सभी लोग हम इस चीज को रिप्रेजेंट करते रहे हैं और बहुत सी मीटिंग्स में आप भी हमारे साथ थे। और हमने ये क्लियर कट उनको कहा था कि साहब इसको करिए, ये बहुत बड़ी त्रासदी हो जाएगी। मगर उनके दिमाग में कहीं ये लगता था कि पता नहीं इनको कोई थोड़ा सा फायदा होगा, इनके चार कमरे लगते होंगे तो इस वजह से ये कह रहे हैं। हालांकि कटरे का बिजनेसमैन बहुत ब्रॉड बिजनेसमैन, वो कभी छोटी चीजों में नहीं जाता। हाँ, हमें दुख होता है जब एक आदमी की डेथ होती है। अभी ये डेथ हुई है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इसका इफेक्ट आने वाले 5 महीनों तक होगा। और सिर्फ 5 महीनों तक नहीं होगा, जिस आदमी और जिन लोगों की वजह से हमारा रोजी रोटी चलती है, जिससे हमारा दाल फुल्का चलता है, अगर एक आदमी वहां पर मरता है तो आप समझ सकते हैं कि हमारे दिलों में क्या होता है। हमारा दिल, कल सुबह जब मैं उठा और जब मुझे न्यूज़ किसी न्यूज़ पेपर वाले नहीं, नगोके साहब ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि वजीर जी यार के इस तरीके का वहाँ पे हो गया है। मैंने उन्हें मुबारकबाद दी, उन्होंने कहा आपने देखा ऊपर ये हुआ है। मैं 3 मिनट के लिए तो अपने आप को संभाल नहीं सका। तो इसलिए मेरी अभी भी, मैं किसी पे तोहमत मलामत उसके ना जाते हुए मैं ये कहूँगा कि जो हुआ बहुत गलत हुआ। और अभी भी जैसे मेरे भाई बलदेव जी ने कहा, सभी ने कहा, हमारा व्यू पॉइंट बहुत क्लियर है और हम इसके बारे में हर फोरम पे, मैंने कल से भी बात की है, आज भी, आज ये बोर्ड मीटिंग में ये मुद्दा उठा है और उसमें इसका जो मुझे रिपोर्ट आई है उसका समाधान भी हुआ है। कल के न्यूज़पेपरों में भी आ जाएगा कि उन्होंने एक यात्रा कितनी होनी चाहिए उसके ऊपर भी एक वो किया है और कितनी रहनी चाहिए उसके लिए कंसल्टेंट्स और ये वो सारा वो। मगर क्या हुआ है मैं उस मुद्दे पर नहीं जाऊँगा क्योंकि हम उधर थे नहीं, तो उसके बारे में औपचारिक मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। मगर इस मुद्दे को मैं, हमने हर एक जगह उभारा है और आगे भी यूनाइटेडली एज ए टीम हम सारे इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हम एक फोरम की तरह जाएंगे और ये जो त्रासदी हुई है इस तरीके की त्रासदी आगे नहीं होनी चाहिए और नहीं होने देंगे, इसका पूरा प्रयास करेंगे। नहीं है श्रद्धांजलि का ये मतलब है कि जो यहाँ पे लोग शहादत इनकी हुई है, जो इनके हुआ है उसके लिए श्रद्धांजलि कटरा की तरफ से हुई है। और रही बात के उस सारी बात को एड्रेस करने के लिए एक बड़ी उच्च स्तर पे जो मतलब कमेटी थी वो गवर्नर महोदय ने ऑलरेडी बनाई है और उस स्तर की कमेटी जो है कि उस बात का जो फैसला करेगी, उस कमेटी ने अपना काम करना शुरू भी कर दिया है, जिसमें जिस कमेटी में प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम जो है जेएनके स्टेट के वो एक मेंबर हैं, हमारे मुकेश सिंह जी जो आईजी हैं जम्मू के वो उसमें मेंबर हैं, ट्रिबल कमिश्नर साहब इसमें एक मेंबर हैं। वो कमेटी जो है कि सारी बात की मिसमैनेजमेंट जिस तरीके से हुई है, वो लेटर जो बताता है कि उसको वो पूरे तरीके से देखेगी कि कहाँ पर चूक रही है और चूक रहने के बाद किन लोगों की जवाबदेही बनती है, किस डिपार्टमेंट की जवाबदेही बनती है। और तीसरा वो ये देखेंगे कि आगे वाले दिनों में उनकी तरफ से सुजेशन से जाएंगी कि आगे वाले वक्त में ऐसी फिर कहीं भगदड़ ना मचे, ऐसा इंसिडेंट फिर ना हो कि सुचारू रूप से यात्रा चले। और कमेटी को मात्र 7 दिन का टाइम उन्होंने दिया है, आज उसका 2रा दिन है और मैं आपको कह सकता हूँ कि वो कमेटी कल से ही अपने काम पर जुट चुकी है। उन्होंने जो अपना मतलब के टूरिंग करना और एविडेंस कलेक्ट करना शुरू कर दिया है और उसी के साथ साथ जो मेरे पास जानकारी है होम डिपार्टमेंट की तरफ से, सेंटर की तरफ से भी एक टीम जो है वो इसी बात के लिए काम कर रही है कि जो यहाँ पे इतनी बड़ी ट्रस्टी हुई है, जो यहाँ पे
तस्दीक होने के बाद ये सुचारू रूप से यात्रा नहीं चल पाई कि उसके हल के लिए और उसके लिए किन लोगों को गिल्टी मानती है उस पर काम कर रही है, और हमें ये दो दिन हो गए, पाँच दिन के लिए और इंतज़ार करना चाहिए कि उसकी फाइंडिंग्स जो आए वो उसके ऊपर क्या आती है। ठीक है, आपकी वजह तो ऐसी बात नहीं है, जब से ये इंसिडेंट हुआ है उसी वक्त से सारे के सारे जो हमारे वर्कर्स थे, खासतौर पर नौजवान और बाकी जो थे, बिना किसी पार्टी के हेर फेर के सारे के सारे लोग उस कार्य में सारे लगे थे। और आप अंदाज़ा लगाइए, जो मतलब के प्राइम मिनिस्टर इंडिया ने वहाँ रात को 2:30 बजे इस बात को नोटिस लिया है, और उन्होंने हमारे प्रधान रैना जी को 2:30 बजे रात को उन्होंने बात की है, सुबह 6 बजे बाद डॉक्टर जितेंद्र साहब ने की है, उसके बाद ये सारी हलचल इसी बात के लिए हुई है कि यात्रा सुचारू रूप से चले और जो गिल्टी लोग हैं, जिस जो जहाँ पे मिसमैनेजमेंट हुई है उसको पूरे तरीके से देखा जाए कि कहाँ मिसमैनेज हुई है, और उसी के साथ इस बात की भी चिंता की जाए कि आगे आने वक्त में ये यात्रा जो है कि सुचारू रूप से कैसे चले। उसमें दो ही तरीके हैं जो हमारी डिमांड मुख्य तौर पे है, उसमें म्यूनसिपल कमेटी भी आप समझे, सारे कौंसिल भी समझे, सारी बिजनेस कमेटी भी समझे, सब पार्टी भी समझे, और अपने तौर पे हमने अपने तौर पे मंथन करना शुरू किया, और एक उसका कंक्लूजन जो है खास तौर पे के होटल एसोसिएशन की तरफ से भी जो उनके साथ सारी बातें हुई हैं उसके ऊपर यही एक कंक्लूजन निकला है कि सबसे बड़ी डिमांड कटरावासियों की ये रहेगी कि ये श्राइन जो है, जैसे थ्रू आउट कंट्री श्राइन जो रात को कबाड़ बंद होते हैं, यहाँ के भी कबाड़ बंद हो। और दूसरा हमारी जो डिमांड रहेगी हमारी कटरावासियों की तरफ से, होटल एसोसिएशन की तरफ से वो, और बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से, कि ये यात्रा जो है जैसे पहले आज से 10 साल पहले चलती थी कि हम यहाँ पे पक्की पर्ची और कच्ची पर्ची, आपको पक्की पर्ची और कच्ची पर्ची का ये मतलब है, जो मुझे लगता है कि आज इंफ्रास्ट्रक्चर जो वैष्णो देवी पे है वहाँ पे 15-20 हज़ार लोगों से ज़्यादा नहीं होता था, तो यही एक परंपरा चलती थी, कभी 50 हज़ार लोग आ जाते थे तो पहले 15 हज़ार को पर्ची ए ग्रुप में मिलती थी, फिर बी में मिलती थी, फिर सी में मिलती थी, और जैसे जैसे ऊपर से वैष्णो देवी में वहाँ पे ईज आउट होता था वैसे वैसे वहाँ के ग्रुप जो 1-1 हज़ार के थे वो कटरा से आगे रवाना होते थे, उसको इन्होंने बंद कर दिया था। मैं समझता हूँ कि सबसे अगर मिसमैनेजमेंट हुआ तो उस बात का होगा, हमारी जो डिमांड रहेगी वही रहेगी कि जो जो पिछली परंपरा थी कि आप पक्की पर्ची भी दें और साथ में कच्ची पर्ची भी दें जब ओवरलोड हो गया, और जैसे ही वहाँ पे सुचारू रूप में दर्शन हो जाए तो यहाँ से जो है आप फिर शुरू करें कि यहाँ से फिर यात्रा आगे बढ़े, वही एक तरीका मात्र है कि जिसके ये हो सके। और उसके अलावा माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को और भी चीज़ें होंगी जो अपने तौर पर एड्रेस करने के लिए वो उनकी टीम और सारी बातें जो है वो लगे हुए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 6 दिन के बाद जो भी रिपोर्ट जो आएगी उस कमेटी की वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगी और ईमानदारी के साथ होगी, और उसमें यात्री के साथ खिलावट ना हो और यात्रा सुचारू रूप से चले उसका प्रावधान सब कुछ होगा उसमें। और एक बात इसमें मैं आपको, ब्यूरो रिपोर्ट, जेल के मीडिया, जम्मू।